उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार आने की खुशी में दुर्गापति में बुलडोजर पर दिखे बीजेपी कार्यकर्ता, डीजे पर डांस कर योगी मोदी के लगाए जयकारे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद योगी की दोबारा सत्ता वापसी पर दुर्गापति बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा काफी उत्साह, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बांटी मिठाइयां। 37 साल के रिकॉर्ड तोड़ दूसरी बार बनेगी योगी सरकार। दुर्गावती में 349 लीटर शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, टेम्पो में डाला के अंदर एक्सपायरी कुरकुरे के आड़ में अलग अलग ब्रांड के अंग्रेजी शराब को छुपा कर ले जाया जा रहा था बिहार। तस्करों के मंसूबे पर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने फेरा पानी। रामगढ़ बक्सर पथ स्थित अकोरही नदी पुल पर बैरिकेडिंग होने के बावजूद भी नियमों को ताक पर रखते हुए बगल से गुजर रहे यात्री वाहन बना डर का खतरा। गोब्रज में सड़क पार कर रही 5 वर्षीय बच्ची को ई रिक्शा ने मारी जोरदार टक्कर, घायल सदर अस्पताल में इलाज के बाद रेफर। आसपास के लोगों ने देखा तो बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां घायल बच्ची का चिकित्सक द्वारा सदर अस्पताल में इलाज के बाद रेफर कर दिया गया है। दुर्गावती थाने के सामने सर्विस लेन में पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान, जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों से 2000 रुपए वसूला जुर्माना। थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में एसआई अनीश कुमार ने की कार्रवाई। दुर्गावती प्रखंड के मिश्रपुरा में सामुदायिक शौचालय का बुरा हाल, अर्धनिर्मित शौचालय का निर्माण कर पैसों की लूट, सुविधाओं के नाम पर घोर भ्रष्टाचार। रामगढ़ थाना क्षेत्र के नथुआ गांव में भीषण चोरी के बाद परिजनों ने थाने में दिया आवेदन, अज्ञात चोरों के द्वारा 1.5 लाख रुपए नकदी व 2.5 लाख के जेवर के चोरी का मामला प्रकाश में आया है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। यूपी में भाजपा की सरकार बनने को लेकर भभुआ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ निकाला जुलूस, पूरे शहर में जुलूस निकाला और जयकारा भी लगाया। इसके साथ ही अबीर गुलाल लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी भी जाहिर की गई। कैमरा का लेंस व एलसीडी के साथ भभुआ पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, मेडिकल जांच के लिए लाया गया सदर अस्पताल, जहां पुलिस द्वारा मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। वहीं जांच के बाद अभी भी मामले को लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।